الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام عليك يا رسول الكريم، أول مهدي المعود، خليفة الله الودود، أمر الله مراد الله، قد جاء ومضى، أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وآتوا الزكاة، صدق الله العلي العظيم. محترم ناظرین और सामईन और मेरे माँ बहनों और नौजवान कौम, आज के जो बयान का जो मज़मून तो आप लोग जाने होंगे कि पिछला बयान ज़कात के बारे में, फ़ज़ाइल के बारे में किए थे। आज ज़कात के मसाइल, ज़कात किसको देना और कितने मुकदार कितना है उसका, और वो जो है उसके मसाइल क्या है। तो अज़्ज़ान मोहतरम, तो आप लोग सुन चुके कि ज़कात ढेर सारे जो जमा किए हुए पैसों का, पैसों को जो है पाक करने की चीज है। एक एक चीज को भी पाक करने की चीज होती है, जैसे कपड़े को साबुन से पाक किया जाता है, इसी तरह नफ्स को पाक करने के लिए रोजा रखते ही हमें, इससे नफ्स पाक होता है। और जिस्म को पाक करने के लिए नमाज पढ़ते ही हमें, पांच वक्त वजू करके नमाज अदा करते ही। इसी तरह माल को पाक करने की चीज क्या है मालूम? ज़कात है वो। तो ये ज़कात अदा करेंगे तो हमारा माल भी पाक हो जाएगा। जैसा कि एक साल में, एक साल में एक मरतबा साहिब निसाब इसे कहते ही, जो साहिब निसाब का जो माना, इसके पास एक साल में कम से कम 7.5 तोला सोना और 550 तोला चांदी, इसके बराबर कुछ रकम है बाकी है तो एक साल के लिए खाइम है, तो वो पूरा घर का खर्चा और अपना जाती खर्चा सुख जाने के बाद 7.5 तोला सोना और 5.5 जो है 550 तोला चांदी, इसके बराबर का जो पैसा, यानी जो है उसका जो है यानी के असट हमारे पास है, तो उसमें का 2.5% यानी के 40वां हिस्सा जो हमें अदा कर दी, जैसे कि 100 रुपए को 2.5 रुपए का हिसाब से, उसमें से हमें वो पूरा जो लंप अमाउंट जो बाकी हमारा है पूरा खर्चा जाने के बाद, उसमें से हमें अदा करना, और उसमें से एक भी थोड़ा भी कमी हुआ तो वो ज़कात नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि ज़कात दो देने वाला जो साहिब निसाब है, वो जो है खास खास उन लोगों को ज़कात अदा करना जो बहुत मोहताज हैं, पैसे के बहुत मोहताज हैं, और वो जो है दूसरे के सामने सवाल करने के हालत में ही ऐसी नौबत आती है, तो वैसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के, और शराफत वाले लोगों को, आजकल जो लोग जो देते हैं ज़कात आंखें मूंछ के, जो किसी किसी मिले दे देते हैं थोड़ा, वो भी जो है पूरा मुकदर भी अदा करते, 40वां जो है हिस्सा अदा भी नहीं करते, थोड़ा कुछ अदा कर देते हैं, एक जो है 10,000 या 20,000 अदा कर देते हैं, ख्याल करते हैं कि मैं ज़कात अदा कर दिया, ज़कात नहीं हुआ। ज़कात जो है उसका सही जो है, अब जो बोला ना पहले, उतने परसेंटेज ही निकालना, तो ही जो है ज़कात उनके ऊपर से वो ज़कात का जिम्मा पूरा होता है, क्योंकि ज़कात इस्लाम के 5 फर्जों में एक फर्ज है, वो सुन्नत भी नहीं, वाजिब भी नहीं और दूसरा कुछ भी नहीं, ये तो जो फर्ज के अतबार से है, अल्लाह का हुक्म है कि तुम ज़कात दिया करो करके। तो ज़कात में किसका हक है? मोहताजों का और मंगतों का,
मंगतों का हक है, तो हमें पहले देखना कि हमारे पास कौन है वैसे लोग, और जो लोगों को दे रही हमें कि वो जो लोग जो है वो जो पैसे को रख के जो है उनको उनकी अच्छाई हो जाए, और वो पैसों को रख के उनकी बीमारी शफा होने के लिए जो है दवा दारू करे, और जो है इसी तरह उन्होंने जो है तो वो पैसे से जो है उनका जो खर्च यानी के फेर सके, ताकि जो है इतने बड़े बड़े खर्चदार हैं जो यानी के सूद दे दे के इंटरेस्ट दे दे के जो है अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं, और अल्लाह के अहकाम के खिलाफ चल के उन्होंने गुनहगार होते हैं, वैसे खर्चदारों को हमें जो है जकात दे के उनकी खर्च जो है खर्च का बेड़ा पार करने के लिए और वो हराम फेल से बचने की हमें जो है उनको मदद कर सकते हैं। इसीलिए कि कर्जदार जो जकात देने वाला के सोच समझ के दे, और दूसरी बात यह है कि जकात देने वाले के दिल में जो जकात देता है उसे ये तक नहीं मालूम होना कि मैं देता हूँ फलाने फैमिली को, वो फैमिली मेरे मेरे जकात से जीती है, मैं फलाने को देता हूँ मैं जकात देता हूँ मेरे पैसों से ये जो है यानी कि मेरे पैसों के ये मोहताज हैं, ये ख्याल नहीं करना, क्योंकि अल्लाह ने तुमको दौलत दिया है, तुम्हें नहीं कमाए, अल्लाह ने तुमको तौफीक दिया कमाने की, तुम दौलत कमाए, तुम्हें हजार हजार से लाख लाख से करोड़ तक कमाए होंगे, लेकिन ये कमाने की हिकमत किसने दी? परवरदिगार आलम ने दी, तो परवरदिगार आलम क्या बोला, इसको जो है यानी कि हकदारों को अदा करो, तुम्हें उनका हक है जो मोहताजों को और मंगतों का हक है, तो हमें जो है देने वाला ये कभी भी नहीं सोचना कि मैं देता हूँ, सोचा जाए कि मैं अल्लाह दिया दे रहा हूँ। इसलिए हमारे मेहदियत में क्या है मालूम, एक 10 रुपए भी दो किसी को पैसा दियो, ये खाना अनाज क्या भी दो, क्या देते हैं, मैं देता हूँ नहीं देते, अल्लाह दिया, इसमें क्या मालूम पैदा होता, फखर नहीं रहता हमारे अंदर, अनायत नहीं रहती हमारे अंदर, कौन देता है, अल्लाह देता है, लेने वाला भी खुश होता है। और दूसरी बात है, जब हमें जकात जहां तक हो सके अलानिया तौर से नहीं देना, मख्फी तौर से देना चाहिए, हमें देरी फलाना आदमी दे रहा है करके नहीं मालूम होना, ये जकात का यानी के बात ही नहीं, यानी के जो है उसका जो है यानी के बात ही नहीं, खास खास की जो सोचने वाली चीज है, खास खास सोचने वाली चीज है, बातनी मकसद इसका क्या है कि जो है जकात देने वाला ये नहीं सोचना कि मैं जो है दे रहा हूँ जकात दे रहा हूँ उन्हें क्या कर लेंदे, नियत उसकी अल्लाह जानता है, बस देने वाले को खाली मालूम होना, दूसरों को नहीं मालूम होना, ऐसा नहीं कि जाओ जकात दियो, मैं देखे भेजा बोलो जकात वो लोगों को दियो वो फैमिली को दियो, ये बोलना चाहिए। तो अज़ान मोहतरम के जकात में बहुत सारे चीजें हैं, उसमें खास खास इखलास, इखलास भी है, इखलास का माना क्या है, जकात अल्लाह तबारक व तआला की जात को और उसके जो है अहकाम को पूरे करने के नियत को जो है अडॉप्ट करके उन्हें देना चाहिए, वो इंटेंशन रखना चाहिए, जब तक इंटेंशन नहीं होता उन्हें अगर दिया तो भी अल्लाह माफ नहीं करता, उसका ज़कात का वादा ही पूरी नहीं होती, सवाब नहीं मिलता उसे। अब देखिए कि पहले जमाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब ज़कात दिया करते थे लोग आके आपके जो है बैतुल मुल्क डालते, आप साल में एक मरतबा पूरों को तकसीम करते थे और ज़कात वसूल करने के लिए भेजते, एक मरतबा एक आदमी था उसे जो है मस्जिद का कबूतर करके नाम रखे थे, मस्जिद का कबूतर साहबी, बहुत लाचार था, बहुत लाचार था उन्हें कि जो है उसे जो है ऐसा हाल था, ये गरीबी भूत थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके जो बोला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे दौलत कुछ कमाना है उसके लिए क्या भी एक रास्ता बोलो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले जाओ नमाजें पढ़ो अल्लाह से मांगो अल्लाह जरूर देगा आपको आबाद करेगा, नहीं मुझे कुछ तो कुछ एक हुनर क्या भी तो तुम्हें जरिया बताओ,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत भूख देखे सुना नहीं, तंग आके बोले अच्छा तेरे लिए मैं एक दो एक बकरी या बकरा जो है दो में देता हूँ, इसे लेके जो है तू तेरा धंधा शुरू कर। सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक से रहमत भरे हुए हाथों से आपने जो दो बकरा व बकरी लेके दिए और जो उससे जो है उन्हें लेके गया। पहले उन्हें नमाज को बराबर पाबंद आता था, मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब था वो, तो वो उसमें से थोड़ा थोड़ा जाने जाने तरक्की होने लगी, बकरियों से बकरियां जो बढ़ने लगे, बकरियों की रेवट की रेवट हुई और जगह बसनी आई, तो क्या करा मस्जिद से थोड़ा हट के दूसरे मुकाम में जाने लगा, तो क्या हुआ कि नमाज को आना जो है कम होने लगा। पहले अजान देते ही आ जाता, अब क्या हुआ अजान के बाद इकामत के टाइम में आता, और जो वहां से भी जो ज्यादा बकरियों की बरकत बढ़ गई, उसकी जो व्यापार उसका जो धंधा बहुत आलीशान हुआ, बहुत बड़ा अमीर बन गया उन्हें, तो उन्हें और भी दूर मुकाम में चले गया मस्जिद नबवी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से दूर होके चले गया। इसीलिए कहते हैं अज़ान मोहतरम दुनिया की दौलत दुनिया के नशे में चूर होने वालों को खुदा और रसूल की जो है दीदार हासिल नहीं होती, क्योंकि दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत है, तो दूर चले गया। आखिरी में नमाज को आना ही दूर हो गया, नमाज को आने वाला एक दो खुद की नमाज को आने लगा, आखिरी में पांच खुद की नमाज को भी वो नहीं आने लगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दरियाफत करने के लिए पूछे, सहाबियों जगह दरियाफत करे तो बोले पूछ के दरियाफत करने के बाद तहकीक करने के बाद आके बोले नहीं वो जो है आपकी जो सहाबी जो आपको आप जो मस्जिद का जो है कबूतर कहते थे कि वो बहुत बड़े अमीर बन गए। ऐसा क्या अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खैर करी दे तो इतने बड़े पैसे वाले बन गए क्या, तो जो है जाओ जाके उसके पास जकात वसूल करके आओ। रसूल सल्लम भेजे साहबे जाके साल में एक मरतबा वसूल कर देना जकात मांगने के लिए गए, तो बोले कि मैं अब नहीं देता, मैं अब देता नहीं, मैं मेरी मेहनत से कमाया हूँ, मेरा खून पसीना इसमें बहुत मैं जो जाया किया हूँ, इसलिए मैं ऐसा उठा के देने वाला नहीं हूँ। हाँ जाओ जब मौका मिले तब देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सुनने के बाद बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले ये मस्जिद का जो है कबूतर अंगार का जहन्नम का कबूतर बन गया, मैं नहीं सोचा कि इन्हें जो है जहन्नम का कबूतर बनेगा, उसका माना क्या है जो दौलत कमा के रखा था इन्हें कि ये ईंधन थी जहन्नम में जलाने की, अल्लाह तबारक ताला उसके जो है इन्हें के जो औला था जो दुनिया में दौलतमंद जो लोग जो माल मत्ते को और जेवरात को जमा करते ही तो ये जो खर्च भी नहीं करते, गरीबों को देते नहीं, हकदारों को पहुंचाते नहीं, जकात नहीं अदा करते, एहकाम इलाही खिलाफ चलते ही, तो ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक ताला उनकी दौलत को रखे जो 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 है रोज हशर में जो है उनके इम्तहान लेगा इंसान लेगा, और उनके जो माल उनको जो है उनको माल उनके सामने तपा के अंगार में तपा के उनके पेशानियों में तपा जाएगा, दाग रखा जाएगा, तड़पेंगे वो तड़पेंगे चीखेंगे हमें गलती कर दी बोल के फायदा नहीं मौत तो हो गई, जो मौत दिया था मौत हो गई थी। तो अज़ान मोहतरम के इसी तरह जो है वो माल को जमा जमा करके दुनिया में रखते ही उनका हशर क़यामत में बहुत बुरा होता है अज़ान मोहतरम, खबर में डालने के बाद से शुरू होता है वो अज़ाब और रोज़े हशर तक हिसाब किताब के दिन तक है, उसके बाद भी उसका जो है सिलसिला आगे बढ़ती रहता है। तो आखिरी में ये जन्नत का जो है कि मस्जिद का कबूतर जो बोल साहबी वो आखिरी में ज़कात नहीं दिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी कि हयात तक के, रसूल सल्लम के हयात के बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला का दौर आया, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला उसके पास भेजे कि जो है बहुत सारे जो है माल जो है ज़कात देना है, जाओ जाके लाओ आदमी से। तो दोबारा गए सहाबिया उनके जो है लोग गए थे अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ के जमाने की बात कहता हूँ, जब पूछे कि तुम्हारे पास इतना माल था और इतना ज़कात देना है, थोड़ा कुछ दिया
अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला हिसाब देखे तो नहीं इससे बढ़ के आना है उनके हिसाब में, इन्होंने पिछले सालों से नहीं देखे आए ही, तो इसलिए ये जो है ये बहुत जो है कम है, ये जो है बहुत कम है। जाओ जाके जो है तुम्हें उससे और वसूल के लाओ, हिसाब पूरा नहीं हुआ बोले। जाए जाने के बाद बोले उसके पास जब बोले कि जो है तुम्हें दिए हुए रकम ज़कात का पूरा तुम्हारे हक के एतवार से नहीं पूरा हुआ, और भी देना है, नहीं इतना दे सकता हूँ, लेना तो लो, बल्कि जो है एक इनकार कर रहे जैसा लफ्ज बोले। अबू बकर सिद्दीक उसे जो है वापस कर दिए। उमर फारूक के खिलाफत का जमाना आया, उमर फारूक के खिलाफत के जमाने में जब उन्हें जो है उनको वो आदमी क्या किया कि वो सहाबी अपना जकात का पैसा पूरा भी उमर फारूक के पास लाके दिया। बहुत कानून के बहुत पक्के थे, इंसाफ के बहुत बड़े जो है यानी कि इंसाफी इंसाफ पसंदीदा खिलाफत थी उमर फारूक की। आपको गुस्सा था, आपको जो पूरे लोगों को जो मालूम, पूरे जहां को मालूम, जब उमर फारूक के जमाने में जो लाया गया पैसा पूरा जकात का, उसे एहसास हुआ, उम्र भी होती रही उसकी, तो उसे मालूम हुआ कि मैं जरूर जो है अल्लाह के पास जवाब देना, तो पैसे लाए। उमर फारूक के पास पैसे लाए, किसके पैसे, जो वो सहाबी के जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद का खबूत कहते थे। तो उमर फारूक बोले ये पैसा मेरे आका को, आका ने जब मंगा इनकार किया था उन्हें, और ये पैसा सिद्दीक अकबर को भी पसंद नहीं आया, उसके जमाने में भी उसने बेइंसाफी से पेश आया, वैसा पैसा ये खाक के बराबर है, उन्हें हकीकतन जो है जहन्नम का कबूतर है, बल्कि वो पैसे मुझे लात मार दिए। उमर फारूक जाओ जाके उसके पास दे दो, दोबारा जो है ये उसके पैसे लेते नहीं, जो हिसाब देना है अल्लाह के पास दियो। अज़ीज़ान मोहतरम के देखिए आप लोगों ने कि ये वाकये से मालूम होता है ज़कात की जो अदाई का बहुत बड़ा पूछ है कि वो जरूर अल्लाह तबारक तआला जवाब देके ही छोना हर एक दौलतमंद को भी। तो हम देखते हैं आज के सोसाइटी में, इस्लाम के फिलासफी में हम देखते हैं कि जकात की अदाई यानी कि अगर बड़े बड़े करोड़पति जो है उनके जो सही मकदार पर इस्लाम ने जो बताया गया सही यानी कि मकदार पर अगर अदा करेंगे तो दुनिया में कौन सा फकीर भी नहीं होगा। ये मुस्लिम खाली नहीं, नॉन मुस्लिम लोग भी जो है इसमें जो है यानी कि जो है यानी कि हिस्सा ले सकते हैं, ये चीज को जो है अपना सकते हैं। इस्लाम का बेहतरीन रुकन है जकात। जकात से जो है इंसान को इंसानियत क्या मालूम होती है, एक अमीर को गरीब की भूख क्या मालूम होती है, एक अमीर को जो है एक गरीब और लाचार मिस्कीन जो मंगतों का जो है उनकी आजीजी हालत मालूम होती है। इतने चीजों को मद्देनजर रखते हुए अमीर देने का जो है मौका मिलता है। जैन मोहतरम ये जकात मामूली बात नहीं है, ये जकात में जो है इंसान अमीर गरीब के नहीं, इंसान को इंसान से मिला सकता है और खुदा व ताला के पास पहुंचा भी सकता है, खुदा के नजदीकी पैदा भी कर सकता है, वो चीज है ज़कात। तो अज़ीज़ान मोहतरम ये ज़कात एक उम्दा चीज है, ये फर्ज फराइज है, ये नबूवत है, ये फराइज नबूवत को अपनाने वाला ही जो है अल्लाह के पास मकबूल बंदा है। अगर नहीं अपनाता, उसे दुनिया प्यारी है, दुनिया की दौलत प्यारी है, तो जरूर उसे जो है जहन्नम के अंगार में जलना पड़ेगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है यानी कि उम्मतियों में जो है ऐसे उम्मतियां भी थे जिनके पास जो है बड़े बड़े बागात होते, और जब ऐसे जो है यानी कि तलहा रजी अल्लाह ताला अनहु जो है बहुत बड़े सहाबी, उनके पास जो है अंगूर के बागात थे। एक मरतबा वो बाग में नमाज पढ़ने खड़ते वक्त क्या हुआ कि जो है वो अंगूर के बाग में वो अंगूर के जो है शोले पके हुए थे, वो खाने के चिड़िया आते, चिड़िया का चक चकाट की वजह से आवाज की वजह से नमाज में खलल हुआ, फौरन जो है आपको नमाज गलती हो गई, अब सहू जाना पड़ा। सोचे इतने दिन तक मैं नमाज खदा नहीं जो सहू नहीं हुआ था, आज भी नमाज में
खलल देने वाली चीज कौन है? ये बाघ है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है यानी के खिदमत में आए, आगे बोले या खा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आज ये बाघ तुम्हारे जो है बैतुल माल में देता हूँ, ये बाघ नहीं चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये तलहा क्यों, क्या हुआ? क्या भी नहीं कि जब मैं नमाज पढ़ रहा था चुड़ियों की कचकचाहट की वजह से जो है मेरी वो बाग के अंदर जो सुकून की नमाज जो है यानी कि बेचैनी बढ़ गई और जो इखलास चले गया, तो जो है मुझे नहीं चाहिए। तो अज्जान होता इससे भी थे लोग, इससे भी थे। आज हमें पैसों के लालच हो गए, बड़े बड़े पैसे वाले, वो भी बड़े बड़े पैसे वाले करोड़ों के रुपए रखे ही, मोहताज जाके मांगता है तो कहते हैं कुछ भी नहीं हमारे पास, क्या करूं भाई, 1,000 रुपए तक भी नहीं है, लेकिन बैंक डिपॉजिट करोड़ों की है और तिजोरियों के अंदर भी जो है बैंक डिपॉजिट जो भरी हुई है, 1, 2 नहीं 4-5 बैंकों में जो है उसकी जो है यानी के उसकी जो है यानी के उसके खाते में यानी के अकाउंट है, अमाउंट है, लेकिन जब एक मोहताज आके मांगता है तो उन्हें देता नहीं, तो उन्हें क्या करता है, इम्तहान लेता है। रज़ान मोहतरम उसका जो है ये कयामत की निशानी में निशानी है ये, के क्योंकि अली करम अल्लाह वजू एक मर्तबा अपने जो है यानी के अपने यानी के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानियां बोले, उसमें निशानी दिखाई एक सफर करते वक्त, वो निशानी ये थी 3 औज, 3 औज में 2 औज में पानी है, बीच के औज में पानी नहीं, सूखा था। ये इस तरफ का औज का पानी उस तरफ पड़ता है, इस तरफ का औज का पानी जो है उस तरफ पड़ता है, ये जो बीच वाले औज में पानी नहीं, ये खत्म नहीं गिरता। तो ताज्जुब हुए अली करम अल्लाह वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोले कि ये दो तरफ से पानी पड़ता है, बीच वाले एक खतरा पानी नहीं पड़ता वहां पर। ये जो मैं बहुत मुतासिर हुआ देख के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलती अली करम अल्लाह वजू है अल्लाह के जो है चाहते उनके चेहरे के मुताबिक होने वाले। मैं कहता हूँ ये खयामत की निशानी की एक निशानी है, ये अलामत है तुमने देखे सफर में। दो औस का माना दो अमीरा, अमीर अमीर से मिलेंगे, गरीब बीच में आएगा, उन्हें मोहताज होके आएगा, उसे जो है मदद नहीं करेंगे, वो अलामत है तुम देखे हुए। तो दोनों औस का पानी आपस में मिलता है, लेकिन बीच के औस में ये खतरा तक नहीं पड़ता, ये खयामत निशानी में ऐसे लोग मेरे उम्मत के होंगे, अमीर अमीर से मिलता रहेगा और गरीब को मोहताज को जो है इनकार करेगा, नजरअंदाज करेगा। अगर वैसा जमाना है तो सोच लो वो खयामत का दौर है। तो अज़ान मोहतरम इन चीजों से आप लोग मालूम होगा हर एक चीज का भी ज़कात अदा करना और उसके पास जो जो एसेट है वो अदा करना, अगर उसके पास जो है गहने अगर जो है ज्यादा उसके भी अदा करना उन्हें, और इसी के साथ साथ जो है उसका जो लैंड है और उन्हें जो है यानी के ज्यादा यानी के जो है खेती बाड़ी करने वाला और उसमें जो अनाज पैदा होता है वो अनाज में से साल में पूरा अपना खर्चा जाते खैरात जाते जो बाकी रहता है वो अनाज का भी जो है हिस्सा बराबर 40वां हिस्सा जो उठा के जो है यानी के जकात की नियत से देना है वो अमीर। हर एक चीज को भी जो है वहां पर जो है हमें करना है ताकि उसका मुकदार जो बोला ना यानी के 7.5 तोला सोना और 550 तोला जो चांदी इसके बराबर या उससे बढ़ के है तो जरूर हो गया, उन्हें साहिब निसाब है उन्हें और उसके ऊपर जकात वाजिब है, जकात फर्ज है। अगर नहीं दिया तो उन्हें गुनहगार दुनिया का भी गुनहगार और आखिरत में भी गुनहगार होकर उठाया जाएगा। अल्लाह हमको नेक तौफीक अता फरमा और अमीरों को सही एतबार सही मुख्तार पर शरीयत के मुताबिक यानी कि जो है जान जान के और देख के और पूछ के जो है अपना जकात अदा करे ताकि अपना जकात सही तौर से उन्हें इस्तेमाल करने वाला हो, हलाल रास्ते में इस्तेमाल करने वाला हो, ऐसे लोगों को तुम्हें देने की कोशिश करे। और जकात के लिए जो मुकदार जो अमाउंट हटा देते हैं वो अमाउंट में से एक पैसा भी खर्चा नहीं करना, अगर जकात की नियत से रख दिया उसके बाद उन्हें जकात दे के छोना, उसमें कुछ ने जो है खयानत किया तो जो है
पूरा गुनहगार हो जाएगा। तो जकात की नियत से रखा है तो जरूर जकात उसने देखो छुना, वो जकात के पैसे में रखा है तो वो पैसों में पूरे लोगों को बराबर तकसीम कर देना। एक ही आदमी को देना करके भी नहीं है, एक ही फकीर को, एक ही फैमिली को देना करके नहीं है, थोड़े थोड़े करके अभी 50,000 रुपए जकात निकालते गए तो एक एक फैमिली को यूजफुल है, जैसा 10,000 10,000 पांच फैमिली को, यानी 5,000 5,000 रखे जो है ना कि 10 फैमिली को ऐसा दियो, और बढ़ती 1 लाख 2 लाख करने वाले भी डिवाइड करके खास खास आदमियों को देख देख के जो है देना, ताकि उनको वो पैसे भी यूजफुल हो जाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमको नेक तौफीक अता फरमा इंशाअल्लाह ताला कि अगला जो है आने वाले जो है बयान रोजे के बारे में होगा, रोजे का फिलसफा क्या है और बातिनी रोजा क्या है, और जो है रोजे में तख्वा परहेजगारी कैसा करना चाहिए, और सहरी इफ्तियारी ऐसे औकात में हमारा जो है यानी कि सही अमल क्या होना चाहिए, इसके बारे में तफसीर का बयान रोजे के बारे में 3-4 जो पार्ट पार्ट्स में आएगा इंशाल्लाह आपको उसमें पूरे बाता मालूम हो जाएंगे। 1-2 दिन वक्फे के बाद ये बंदा दोबारा आप लोगों के सामने जो है पेश जो है जाहिर होगा, तब तक के लिए आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़ व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।